हरे कृष्णा हरे रामा हरी बोल। ओके वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय नाइट व्लॉग। अब मैं नाइट व्लॉग बनाने जा रही हूँ, तो देखते हैं हम नाइट में क्या क्या करते हैं गाइस। तो मिलते हैं फिर आपसे अभी। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं पहले अभी अपना सुबह का बंदोबस्त करके जाऊंगी। बंदोबस्त यानी मैं अपने ड्राई फ्रूट्स भिगो कर जाऊंगी, पानी भर कर जाऊंगी और बस हरी बोल। तो अभी पहले मैं अपना सारा जो सुबह का बंदोबस्त करना था वो कर लेती हूँ। ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स, अभी मुझे भिगोने हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। तो अभी निकाल लेते हैं हम अपनी कबर्ड से ग्लास। 1, 2, 3। तो पेश है आपके सामने। तो मैं बादाम भिगो देती हूँ। 7 बादाम की कीमत आप क्या जानो यूट्यूब बाबू। किसमिस। क्या है ये? What is this guys? This is called anjeers. अमीर लोग खाते हैं ये, YouTube बाबू। Okay. पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं गाइज अंजीर। आप कहीं उल्टी सीधी चीज जगह इन्वेस्ट कर रहे हो ना खाने पीने का, कुरकुरे चिप्स एंड ऑल, जो मैं भी खाती हूँ वैसे तो, पर हाँ उसकी जगह पे आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि पेट के लिए अंजीर बहुत अच्छे होते हैं और फेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ग्लोइंग फेस होता है, पेट साफ रहेगा तो फेस अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ओके बस अभी यही भिगोते हैं, बस पानी गर्म कर लेते हैं कैटल में। ओके गर्म पानी में ही सबको धोकर भिगो देंगे। अभी दिखाते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, पानी बुबल बुबल करके ऊपर आ जाएगा। नहीं ऊपर नहीं आएगा, पानी है ना ये, तो पानी जब गर्म हो जाएगा तो हम अपने ड्राई फ्रूट्स भिगो देंगे। ओके गाइस, ओहो पतंजलि की ऐड हो रही है, मास्क ले लो पतंजलि का गाइस। तो रूपा हम पहले अपने ड्राई फ्रूट्स को धो लेते हैं। ध्यान रहे रूपा, ना ज़्यादा कम हो पानी और ना ही ज़्यादा ज़्यादा हो, ज़्यादा ज़्यादा हो। ओके पानी बचाओ। ओके तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी अपने पौधों को सर्व कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स को सर्व कर देंगे, नॉट पौधों को। तो मुझे सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स में पसंद है अंजीर, तो इसलिए मैं 3 अंजीर भिगोती हूँ, 7 बादाम, किशमिश का पता नहीं। गिनकर ड्राई फ्रूट्स भिगो, बचेगा आपका पैसा। ओके सो मैं ये ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी सुबह, साथ में खाऊंगी क्रेनबेरी और साथ में खाऊंगी अखरोट। कृष्णा तो नाम है मीनाक्षी, नाम तो सुना ही होगा। तो अभी हो रहे हैं 6:40 और हमारा भोजन हमें मिलेगा 7 बजे। तो आज मीनाक्षी को शायद रात काली करनी पड़ जाए क्योंकि हम वो विद्यार्थी हैं जो एंड टाइम पर अपना कार्य संपन्न करते हैं। कार्य यानी हमें बनानी है एक प्रैक्टिकल फाइल जो मैंने अभी तक नहीं बनाई है और मैं आज ही बनाऊंगी। इतने होनहार मैं छात्रा हूँ, आपको क्या बताऊँ मैं, आप मुझसे ये प्रेरणा तो बिल्कुल मत लेना। तो मुझे शायद लगता है कि मैं अपनी रात काली करने वाली हूँ। अगर मेरी रात काली होगी तो मुझे अभी प्रैक्टिकल फाइल निकाल लेनी चाहिए। थोड़ा सेटलमेंट करके जाती हूँ, भोजन के बाद आकर सीधा लिखना शुरू कर देगी मीनाक्षी। और इतनी तेजस्वी लड़की है ना कि क्या बताए कि एक रात को काली करके अपना पूरा काम संपन्न कर देगी। बोलो जय माता दी। ओके बाय गाइज, मैं भूल गई, मैं 6:30 बजे आमला जूस पीती हूँ तो मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो पर मैं पीऊँगी ज़रूर। खाना खाने से पहले मैं आंवला जूस पी लेती हूँ एक बार, मतलब शाम को पी लेना चाहिए वैसे बेसिकली, पर मैं 1 घंटा या आधे घंटे पहले पी लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो पी लेती हूँ, अभी पी लेती हूँ, थोड़ी लेट हो गई, क्या हो गया, थोड़ा लेट खाना खा लेंगे, क्या हो गया। आंवला जूस पी लो,
बस दो घूट की बात है, बस दो घूट की बात है। शायद ज़्यादा हो गया ये घूट, तो वापस डाल दो क्या? ओके ओके, थोड़ा सा गरम पानी, गिर गया पानी, थोड़ा सा गरम पानी। ओके तो रेडी है, पेश है आपके सामने ताजा ताजा बोतल में बंद आंवला जूस। बहुत बढ़िया, एकदम सुपर बढ़िया, मीठा मीठा। समझ ही गए होंगे आप लोग तो। अभी मीनाक्षी एक ऐसा अजूबा आपको दिखाने जा रही है। शाम को मीनाक्षी ने नमकीन खाए थे तो उसका पैकेट मीनाक्षी ने देखो कहाँ रखा है, और ये खाली नहीं है गाइज, इसमें नमकीन अभी फिल है फिल। ताकि ना मैंने ना ये आइडिया लगाया था कि ना हवा जाएगी तो ये सील जाएंगे, तो मेरे को गुड़मुड़ करके ना इधर इसमें फंसा दिया, तो इसमें ना हवा नहीं जाएगी। अब क्या दिमाग दिया है भगवान ने मुझे। अच्छा हरे कृष्णा गाइस, तो 7 बज गए हैं, तो अब नीचे जाएंगे, अपने दोस्तों को बुलाकर मेस में जाएंगे और खाना खाएंगे। वैसे अपने फ्लोर पर पानी नहीं आ रहा है, तो मीनाक्षी को पानी भी भर कर लेकर आना है। अब मैंने अपनी बोतल का इतना शो ऑफ कर ही दिया है, तो आपको एक बात बताती हूँ कि अब तक आपको पता होगा कि जो प्रेम का कलर है, काइंडनेस का जो कलर है, वो लाल होता है। मतलब बोलते हैं ना कि दिल का कलर लाल होता है, प्रेम का कलर लाल होता है। अब दिल का मत समझ लेना, ठीक है? मतलब जो प्रेम का कलर है वो लाल होता है, लेकिन नहीं, जब आप योग में आओगे तो आपको पता लगेगा कि जो दिल का कलर है वो हरा है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी लाइफ में हरे चीज़ों का काफ़ी प्रयोग करोगे आसपास अपने, तो उससे काइंडनेस बढ़ता है, आपको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा, टेंपर कम रहता है हमेशा, और प्रेम बढ़ेगा, उदारता बढ़ेगी। तो इसको पर्टिकुलरली कलर थेरेपी बोलते हैं, और इसको बोलेंगे ग्रीन बॉटल थेरेपी, ठीक है? अब इसमें पानी भरकर आप धूप में रख सकते हो, एक फट्टे के ऊपर, लकड़ी के फट्टे के ऊपर। तो उसको आप फिर धूप में रखने के 2-3 घंटे बाद आप सेवन करो उस पानी का, तो वो अच्छा रहता है। मतलब तो इससे काइंडनेस बढ़ेगी, करुणा, प्रेम, ठीक है, दया, सब बढ़ेगा। तो ठीक है गाइस, तो इतना ही। अभी मुझे एक बॉटल भर के लेकर आनी है फर्स्ट फ्लोर से, मन्नू के फ्लोर से, मन्नू और रचना के फ्लोर से। और मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ, थर्ड फ्लोर वालों का बहुत बहुत स्ट्रगल है गाइस। और अब मैं इसमें लेकर जाऊंगी ये घी मम्मी का, अपनी पोटली में भर के, और ये दूध का ग्लास, पहलवान ग्लास, और दूध का कूपन। तो चलते हैं गाइस, अपना झोला झंडारा लेकर प्रस्थान करते हैं बाहर की तरफ। इससे पहले मैं 3-4 अच्छे काम करके जाऊंगी, जैसे कि ये लाइट ऑन करा मैंने अपना फेरी लाइट। ओके, क्योंकि जब मैं आती तो थोड़ा अच्छा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है? मैं दिख रही हूँ इसमें? ओह वाओ, ठीक है। दूसरा ये ऑल आउट ऑन करके, तीसरा लाइट ऑफ करके। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। तो चलते हैं गाइस। तो मन्नू के रूम के बाहर पहुंच गए हैं। 217 खटखटा देते हैं। हरे कृष्णा मन्नू। मन्नू पूजा कर रही है अभी, मन्नू पूजा कर ली है अभी। गाइस किसी के टेबल पर कुछ दिखे तो खा लेना चाहिए, प्रसाद ले ले बिहार का प्रसाद। हरे कृष्णा। नाम है मन्नू, नाम तो सुना ही होगा गाइज। नहीं तो अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। थारी बहन ने शॉल टांग लिया, ठंड बहुत हो रही है, थारी बहन दुखी हो जाएगी ठंड में, ठीक है? ओके गाइज, तो एक्चुअली हम उत्तराखंड में है ना, एक्चुअली तो ठंड बहुत है इधर। देखो मन्नू की फेरी लाइट्स देखो, उसने पूरे रूम में लगा रखी है। वाह,
है ना, अच्छी लग रही है ना। दोस्त किसकी है आखिरकार? नाम है रचना, सुना तो नाम होगा जरूर, ठीक है गाइस। व्याकरण में आता है। और देखो रचना की फेरी लाइट्स देखो, एक्चुअली वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो हमने सबने फेरी लाइट्स लगा रखी है, हम बहुत अमीर है ना गाइस। रचना बैग टांग कर कहाँ जा रही है? लाइट ऑन करना गाइज एक बार। यस, अब दिखी ना, सुंदर लग रही हूँ ना। देखो रचना ने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, एक्चुअली ये पौधे लवर है, प्लांट लवर है। चलो मैच में चलते हैं, आ जाओ गाइज, फॉलो मी गाइज। जो वो कहानी थी ताले वाली, तो मनु एक बार फिर से सुना दो, जो ताला मैंने आपको दिखाया था ना कि टूट नहीं रहा था मनु की, वो फिर मैंने ताला तोड़ने वाले को मैम ने बुलाया और इतना ज़्यादा वो ताला पूरा टेढ़ा हो गया, बट टूटा नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत मजबूत। आजकल लाइफ में ऐसे ही ताले चाहिए गाइज, चोरी बहुत हो रही है। चलो गाइज फॉलो मी गाइज, आपको मैं ओपन जिम दिखाती हूँ अपने, जिसमें बच्चे कुछ भी कर, अभी बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, वो आंटियाँ नहीं होती पार्क में, बहुत ज़ोर ज़ोर से पूरा एक्सरसाइज कर देती हैं ओपन जिम में, वैसे ही गाइज फिर दिखाऊंगी मैं आपका भी, आपको लेट हो रहा है भोजन करने के लिए। क्या हो गया मनु? यार ये मैंने सुबह का भूल, सुबह मैं आई थी बाल सुखाने तो ये यहीं रह गया। अभी शाम को याद आ रहा है कि मैं कुछ भूल चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, इतना स्ट्रेस दे दिया है ना इन लोगों ने। मनु फिर एक्सप्लेन करने लग गई। गाइज देखते हैं कि क्या पका है आज, कुछ ना कुछ पकता ही रहता है वैसे। चावल, सब्जी, दाल, आलू, गाजर, मटर, लाइन में लगते हुए फ्रिज, हम भी ले लेते हैं। सब्जी गाइज, दाल, चावल, रोटी ले लेते हैं दो, एक ले लेते हैं, ले लो नहीं दो ले लो, मुंह पे चढ़ा दे इसको कैमरे को। घी जरूर खाना चाहिए खाने में गाइज, क्यों खाना चाहिए, हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, वो हड्डियों में से कर चिर पर की आवाज़ आती है ना, वो नहीं आएगी। मैंने लिया है फ्री में दूध अभी, क्योंकि मैं कूपन भुलाई, ग्लास ले आई, 10 रुपये का कूपन देना होता है ना, वो एक्चुअली ना, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, हो गया हो गया हो गया तुम्हारा, वो एक्चुअली ना हम ना हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो ना इसलिए हम लॉन्ग कट से जा रहे हैं, और बस आ जाओगे, दांत फाड़ रहे पीछे खड़े होके। तो गाइज मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ, एक्चुअली जो इस रचना ने पहन रखा है ना सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक, ये इसके फियांसे ने भेजा है, आई मीन मंगेतर ने भेजा है। तो वो बहुत अमीर है, ऐसा राज भगवान सबको दे। एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सामान भेजता है ये राज, एक राज हमें भी दे दे भगवान। कहीं सीरियस मत हो ना आप इस बात को लेकर। ठीक है तो ओके, हरे कृष्णा, दूध ले लिया है फ्री में, अब जा रहे हैं हॉस्टल और फिर अटेंडेंस लगवाएंगे और फिर सीधा अपने कमरे में। गाइस अरे जो मैंने अभी टॉवल यहाँ से उठाया था वो मैं मैस में भूल गई। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी थी वीडियो, इतने में हमें एक दुखद खबर सुनने को मिली है गाइस, तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है, ठीक है मैं चला, तबीयत खराब है, तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है, तो अरे बाप रे, मैं आपको आगे बताती हूँ। गाइस रसगुल्ले रखे हैं और ये देखिए रसगुल्ले रखे हैं और सेव रखा है, जो कि हम खा नहीं सकते हैं, चुपचाप रख दो,
जिसके भी रसगुल्ले हैं वो आके ले जाए, नहीं तो हम खा लेंगे। ये अंदर आवाज जाती है इस माइक की। तो एक्चुअली गाइज हमारी लड़कियाँ इतनी हेल्थ कॉन्शियस है, तू क्या अनमंडरा रही है कैमरे के आगे, चल हो गई तू फेमस। हो गई हो गई। गाइज ये है खुशी कुमारी गुप्ता, खुशी चौधरी, नॉट खुशी कुमारी गुप्ता। और चौधरी एक्चुअली जाट है। तो गाइज लड़कियाँ इतनी हेल्थ कॉन्शियस हैं कि देखो रात में भी ये ओपन जिम लगी हुई है, तो इधर पूरा एक्सरसाइज कर देंगे दीदियाँ, बिल्कुल एक्सरसाइज कर देंगे एकदम। हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए खाना खाने के बाद। थोड़ी देर ओपन जिम कर लेनी चाहिए हम लोगों को। ओके गाइज, मजा आ रहा होगा। पार्क की आंटियों से कम हो गया पूरा, मैंने ऐसे योगा कराया ना, पता नहीं हो गया तुम लोगों को। समय हो गया है नाइट अटेंडेंस का, 8 बज गए हैं। 8 बजे हमारी रात्रि पाठ होता है हमारा 8 बजे, और 8 बजे हमारी अटेंडेंस होती है कि उपस्थिति है लड़की की नहीं है हॉस्टल में। ओके गाइज, ओके गाइज, हम जा रहे हैं कॉमन हॉल में। ये सुशीला, रूपा, ठीक है, ओके गाइस। गाइस तो ये शर्मिली पीछे बैठी है एक्चुअली। अभी हम बैठ गए हैं कॉमन हॉल में, और आगे बैठी है हमारी वार्डन जो हमारी अटेंडेंस लेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, आगे की अपडेट मैं आपको पूरी देती रहूँगी। अटेंडेंस लग गई, भूल गई थी बाहर यार, मैं ना घी भी भूल गई थी बाहर। छोटी बच्ची हो क्या, इसी के चक्कर में। और अटेंडेंस भी नहीं लगवाई अभी इसने, ठीक है, लगवा लो जल्दी, फाइन लग जाएगा आपके ऊपर। टीचर खराब हो गया, मैं कंप्लेंट करने आई थी लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं। अटेंडेंस लगवा लो, लगवा ली अटेंडेंस। ओके तो गाइज अटेंडेंस हो गई है, अभी हम जा रहे हैं अपने फ्लोर पे। भाई जी मनस्वी है ये, इसके भैया जी इसके लिए जर्मनी से चॉकलेट लेकर आए थे महंगी वाली, हमने खा ली, थोड़ी सी बढ़िया लग रही है ये। अगर किसी को ये चॉकलेट पसंद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तो फिर हम डिलीवरी करवा देंगे। इतनी अमीर नहीं है भैया, इसके खुद के पास एक है, उसमें तो मुझे एक पीस दिया है इसने। गाइज मैं ना सुबह योगा और यज्ञ में नहीं गई, अब इसलिए मुझे उसका रीज़न देने जाना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं गई थी योग और यज्ञ में। दिल ये मेरा तेरे, हम शॉर्ट तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं शॉर्ट नहीं होगी, नहीं हो। गाइज ये सिमी है, हाय गाइज, इसके साथ बुराई होता रहता है सच में, जब भी मैं क्लास नहीं जाती तभी बुला लेते हैं ये। आज दूसरी बार हो रहा है बस यार, बहुत बुरा हो रहा है। मैं तो ले जर्मनी की चॉकलेट खा ले, मन्नू ने दिया, उसका भैया लेकर आया था। थैंक यू, वेलकम। ये लोग अपने अपने ना बहाने लिख रहे हैं, मतलब रीजंस लिख रहे हैं क्यों नहीं आए थे योगा और यज में। लिस्ट देख लो गाइस। ये हमारी बॉर्डर बॉर्डर में थोड़ी सी शाय है एक्चुअली। हरे कृष्णा गाइस, तो जैसे कि मैं आप सबको पहले ही सूचित कर चुकी हूँ कि आज मैं अपने रात काली करने वाली हूँ, तो मैंने अपने रात काली करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। जो मुझे लिखना है प्रैक्टिकल फाइल वो मैंने तैयार कर रखी है, मैं लिखूंगी। उससे पहले मैं दूध बनाऊंगी, हल्दी केसर वाला दूध बनाऊंगी। आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज अभी इसी वक्त हम बनाने जा रहे हैं हल्दी केसर वाला दूध। तो हमने सामग्री एकत्रित कर ली है, ये है पिस्ता, सॉरी ये है पिस्ता, ये है बादाम, तो हम एक एक पिस्ता और बादाम लेंगे। ये है केसर, ये है खांड, आई मीन ब्राउन शुगर इन योर लैंग्वेज, ये है इलायची, और ये है मेरी मम्मी का प्राचीन कूटने वाला। इसका उपयोग करके हम अपना दूध बनाएंगे। ओके लेट्स स्टार्ट।
इसको ठक ठक करके नीचे वालों को परेशान करो कि ऊपर क्या बन रहा है, सर में दर्द कर देते हैं नीचे वालों के, फिर इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। ओ ओ, ये नतीजा होता है एक हाथ से फोन पकड़ने का। एक असिस्टेंट चाहिए मीनाक्षी को। ये कैटल ऑन कर दिए हमने गाइस, दूध वाली, थोड़ा सुबह का बचा हुआ दूध, थोड़ा दूध इसमें से ले लेंगे और थोड़ा दूधिया वाला काम करते हुए हम इसमें पानी मिश्रित कर देंगे ऐसे। ओके, ये हमारी इलायची कूट गई है, इलायची को डाल दीजिए इसमें। अब हमें कूटना है एक बादाम और एक पिस्ता, छील लेते हैं इसको, है ना। हमने बादाम और पिस्ते का चूरा बना लिया है, इसको भी इसी में डाल देते हैं। शो यू, हमने थोड़ा सा केसर ले लिया, और ज़्यादा ले लेते क्योंकि यहाँ पर आज हमारी ऑडियंस देख रही है, तो हमने केसर ले लिया है गाइस, थोड़ा नाप तोल कर ले लेते हैं। हल्का सा पानी, बिल्कुल हल्का सा, इसमें इसको घुमाएंगे। तो ये मैंने केसर को पीस लिया है, मतलब इसको मिला लिया है पानी में ताकि इसमें डालने में आसानी हो, और ये हमने डाल दिया है केसर। हाँ, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है केसर की। हम इतने लालची हैं ना, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, इसमें सब डाल देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे दूध उबाल मार रहा है, जैसे किसी नौजवान की जवानी उबाल मारती है। अच्छा। इस अपने जीवन की तरह हमने इस दूध को भी उबाल उबाल कर आधा खत्म कर लिया है, तो अभी हम ना इसमें डालेंगे घी। अब काफ़ी सारे लड़कियां या लड़के कहेंगे यू घी, यस घी, इससे आपका पेट अच्छे से साफ होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं घी डालने से दूध में, ताकत बनती है और बहुत सारी चीज़ें। ओके, अभी हम इसको फेंटेंगे। अब इस दूध को ना हम इस घी में फेंटेंगे, जैसे हरियाणा वाले या फिर और भी काफ़ी स्टेट्स में होता है, वैसे हरियाणा में बहुत होता है ये। फेंटने का मतलब है जोर जोर से इसको पलटना एक दूसरे ग्लास में, ठीक है। गाइस, दूध हो चुका है रेडी थोड़ा सा गार्निश करने के लिए। ओ माय गॉड, गार्निश करने के लिए थोड़ी सी पत्तियां डाल देंगे केसर के ऊपर से। तो ये नहीं, तो कोई बात नहीं, हम गरीब लोग हैं गाइस। अपनी पूरी रात बर्बाद करने का मैंने पूरा इंतजामात कर लिया है। उर्दू वर्ड है ना इंतजामात, हम हिंदी बोल लेंगे, इंतज़ाम कर लिया है। ये दूध रहा, ये हमारा स्पीकर रहा, ये फेरी लाइट्स माहौल बनाने के लिए, और ये हमारी रात काली करने का सामान, और ये रहा, ठीक है। अब मैं लिखना शुरू करती हूँ, बस मुझे नींद भी आने लग गई है, ये आज ही होना था, मुझे वैसे नींद नहीं आएगी, वैसे कितना भी जोर लगा लूँ पर नींद नहीं आएगी, लेकिन आज बहुत गहरी नींद आ रही है दीदी को, क्योंकि काम करना है ना। हरी बोल, इस मासूम सी शक्ल को आप ज़रा देखिए, इसकी आंखों को देखिए, नींद से एकदम तड़प रही हैं। मैंने एक पेशेंट का कर लिया है, एक पेशेंट यानी हमें चार पेशेंट्स की रिपोर्ट्स लिखनी है। एक पेशेंट की रिपोर्ट लिखी है अभी मैंने, जो योगा थेरेपी करवाने के लिए पतंजलि आए थे। अब मैं ब्रश करके आ रही हूँ, फेस वॉश करके आ रही हूँ, फिर थोड़ा नाइट रूटीन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं अभी आई हूँ ब्रश करने, फेस वॉश करने और बर्तन साफ करने। वो दूध पिया था ना अभी, गंदे बर्तन, बाय।
गाइस, तो अभी फेस वॉश कर लिया है, ब्रश कर लिया है और बर्तन साफ कर लिए हैं। अभी मॉइस्चराइजर मैं लगा रही हूँ अपने फेस पर और मुझे लगता है 11 भी बज गए हैं तो 12 बज जाएंगे, ये लिप बाम ख़त्म हो गया है तो शायद 12 बज जाएंगे काम करते करते मुझे। क्या करें, हम पढ़े लिखे इतने बच्चे हैं। हरे कृष्णा, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। और मैं उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, मैंने बहुत ट्राई किया आप लोगों के लिए कि आप इन्जॉय कर सको। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी। हरे कृष्णा, जय सियाराम।